लगे चाशनी सी कभी तू, लगे रोशनी सी कभी तू, उफ़ ये अदा जरा जरा डूब डूब सा हूँ तुझ पे मैं खोया सा, ऐसी यूं ही तरसाना, ऐसी यूं ही तरसाना। लगे शायरी सी कभी तू, लगे मायरी सी कभी तू, उफ़ ये अदा लगे चाशनी सी कभी तू, लगे रोशनी सी कभी तू, उफ़ ये अदा जरा जरा डूब डूब सा हूँ तुझ पे मैं खोया सा, ऐसी यूं ही तरसाना, ऐसी यूं ही तरसाना। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग, मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। जुनेद समी खान और उनकी बेगम साहिबा फातिमा समी जो हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम आपको इनसे मिलवा रहे हैं, आप इनसे इंजॉय कर रहे हैं। इतना खूबसूरत ये भी सॉन्ग है, ये कब का है? यू लुक सो डिफरेंट इन दैट। जी मेरे अप्स एंड डाउन, वेट लॉस कभी कभी नहीं कभी नहीं। हाँ। ये है आई थिंक 2015। जी जी ठीक है। तो वेट लॉस का इशू क्यों, मतलब आप रिलैक्स हो जाते हैं? रॉन्ग हैबिट्स व्हिच आई हैव नाउ इंशाल्लाह फॉरएवर गिवन अप फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। रॉन्ग हैबिट्स, बस दिस रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग कंपनी व्हिच आई हैव आल्सो यू नो आई एम बी 5 किलो आई हैव लॉस्ट डिस्पाइट दिस एंड आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इंशाल्लाह। डाइट कितनी मोटिवेशन जो है फातिमा, फातिमा इसमें कैसे सपोर्ट करती है? वी हैव जॉइंड जिम, वी गो टू जिम टुगेदर, वी वॉक टुगेदर एंड या डाइट जब मुझे भूख लगी होती शी ऑलमोस्ट आई एम लाइक नो नो स्टॉप इट, यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट दैट। ओ इन दिस एरिया जी, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज़ वो तो आपको तो बड़ा गुस्सा आता होगा। ही इज अ फूडी, ही लव्स फूड। हां, और व्हाट अबाउट यू? I do love food but there's this thing that I only eat when I'm hungry. ठीक है। I don't overeat. ठीक है। But obviously I have put on a lot of weight as well. घर में बैठ के बस खाना, you know, अगर इस तरह का सीन हो जाए। तो वो कहाँ गया? मैं वर्किंग हूँ और मैं तो सेल्फ सफिशिएंट। बस वो शादी हो गई ना, वो मकसद मेरा पूरा हो गया ना, वो जो औरतों का मकसद होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है, वो है या नहीं? इसके नहीं नहीं, तुम मेरे सामने बस बैठी रहो, खाना वाना बन जाएगा सारा कुछ। I'm getting more of a princess treatment, I can say. Yeah. That's good, that's great. Yeah. Huh? And is he getting the prince treatment as well? Of course. Oh, yes, yeah, of course. I try absolutely, my best. Absolutely. Whatever I do, you know, whatever I can do, get him coffee, take care of his, you know, medicine, whatever, jo bhi unko hota hai. So I'm there for him. Abhi tak maximum time jisme naraaz rahe hain wo kitna hai? I think 3 weeks. Yeah. 3 weeks. Yeah, yeah. Jisme ke we went through a bit of a turbulence, but thank God we were back. Yeah, yeah, I heard about we always, that. Yeah. By the grace of God, we always come back. Yeah. Jo bhi ho. That's the best thing. Best thing. And that is what the partnership is about. Because chai, ye nahi hai ki mushkil nahi hoti kisi ki zindagi mein, kuch nahi hota. Whatever they may say, Allah is there and he always and may he always keep us united. Yeah, amen. Amen. Inshallah. Bilkul. Ye ek bahut badi ये दुआएं यूजुअली ख्वातीन किया करती हैं। इस केस जुनैद इज वर्बलाइजिंग इट, यू आर वोकल अबाउट इट ना। जी जी जी। फातिमा मे बी ज्यादा उसके बारे में हो, लेकिन फातिमा इसको इतना वो लाउडली कह नहीं रही जितना आप उसमें, जो अच्छी बात है। जी जी। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फातिमा के, मतलब मर्द की तरफ से भी भरपूर इजहार होना चाहिए ना, कि ये रिश्ता उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ औरत के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए। औरतें इमोशनल होती हैं, दे स्पीक देयर हार्ट आउट, बट मेन दे ट्राई टू यू नो रिप्रेस देयर फीलिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये एक सोशल नॉर्म बन गया हुआ है कि औरतों को ही एफर्ट करनी है इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए या कायम रखने के लिए, जो कि वन साइडेड एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चल नहीं सकती जब तक ये टू वे ना हो, है ना। सो जुनैद आपको फिर इसमें वो सोशल इश्यूज टैबू होता है उसका नहीं सामना करना पड़ता कि तुम मतलब बहुत ही बीवी की तारीफें कर रहे हो? आई एम एन ओपन बुक, आई एम एन ओपन बुक एंड जो आता है दिल में समटाइम्स आई एक्सप्रेस टू मच लेटर ऑन आई एम ओके बट दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, सो शुड वी कॉल इट अ लव मैरिज?
फैमिली का क्या फिर एटीट्यूड था जब व्हेन यू सेड के हो कि ना नाउ आई एम रेडी टू मैरी आई एम रेडी बस ये इन एवरी फैमिली देयर सम पीपल फॉर इट सम पीपल आर नॉट फॉर इट टर्बुलेंस होती है ऊपर नीचे होता है सो आई वोंट गिव टू मच डिटेल बट वी आल्सो बीन थ्रू दैट नॉट जस्ट दैट नो नेम्स बट इवन पीपल हु आई थॉट वर क्लोज टू मी दे सडनली दे हैव मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों अचानक ऐसे लोग जो है वो दे शो देयर ट्रू कलर है ना समटाइम्स जबकि एट द टाइम्स व्हेन वी आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग देम टू शो इट इफ आई मे जस्ट टच यू दे आर सेइंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ enemies who attack you be afraid of friends who flatter you yeah. you don't know exactly sorry yeah. because nobody is actually there are only few people who would be happy about you matlab bahut kam log hote hain jo aapki khushi mein khush ho dusre log jealousy insecurity and why is he happy even, or she yeah, happy it doesn't matter if they're in the family or out of family it could be like on both of the sides yes main bhi opening mein bhi yahi baat kar rahi thi ki toxic jo log hote hain बाजू का तुम्हारा बड़े प्यारे रिश्ते में होते हैं बट समहाउ वो टॉक्सिक होते हैं बात ऐसी करते हैं हमारा दिल जख्मी कर देते हैं सो अच्छा आपकी साइड से भी लव मैरिज थी तो आपने अपनी फैमिली को कैसे फिर उनको कैसे कन्विंस किया माय मदर आई जस्ट टोल्ड माय मदर ओके मम्मा मैं शादी कर रही हूँ एंड शी वाज लाइक नहीं बहुत बड़ी उम्र का है यू नो yeah that's how mothers are so obviously she was concerned and I was like no aap milengi you'll get to know him he's a very good person and then he came with his mother and his khala and then she met him and she said ki yeah he won't be a damad he would be a beta yeah so you yes. win their heart huh? yes, yes. And I was I made my decision I was like meri maa ne kaha jisme tum khush ho usme main khush hu agar ghar wale khuda na khasa na mante to phir kya hota phir bhi kar leti badi film mein dekhi I've learned the lesson movies or no movies once I make up my mind I'm like forget it I'll do it acha ye aapke sath bhi ek agar family na bhi us tarah se full सपोर्ट करती तो आपने कम कर ले नहीं एग्जैक्टली वंस यू मेक अप योर माइंड वंस योर हार्ट गिव्स यू द ग्रीन सिग्नल देन रेस्ट इंशाल्लाह एवरीथिंग हैपेंस बिल्कुल ये तो बड़ी जबरदस्त सी एक लव स्टोरी है लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो ये है जैसे आपने बताया कि 3 वीक्स तक आपकी नाराजगी भी हो गई जी वो भी हो लड़ भी पड़े बट यू गॉट टुगेदर दैट इज द बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू It came from above. I'm not just trying to put two sweet words. इसमें क्या किसी ने आपको जोड़ने में कोई किरदार अदा किया कि नहीं नहीं देखो नहीं नहीं अल्लाह ने किया अल्लाह ने किया honest to God and my faith in God is I mean of course I always believed in Allah but now my faith is even more strong and I'm trying to mend my ways and repent and the wrong habits I had I have given up also a few of them and I'm trying to get as close to Allah as I can do my part and likewise. We're visiting Faisal Mosque on Fajr prayers actually all those fights they actually brought us closer to God and that is why our relation has gotten better yes that ye badi baat hai end of the day absolutely ye badi baat hai yes acha lekin ye jo 3 weeks the jisme aapki ho jati hai to what were you going through Fatima, what were you thinking? Oh, I was going through a very bad emotional trauma. I know because ये आपका एक अपना जब आप कहते हैं ना मेरी पसंद है मैंने करनी है and then उसके बाद जब कुछ भी ऐसा होता है तो then there is a lot of pressure आप दोनों पे हाँ लेकिन Fatima and it was at that time I was I only prayed to God because he comes from a strong background and obviously I live with my mother and my father he passed away. It was I felt as if I'm all alone and only Allah is there for me and I prayed to him and I was like Allah aapne mujhe is aziyat mein dala aap hi mujhe isse nikalenge and he did listen wo kehte hai na ki Allah taala to aapse 70 maao se bhi zyada pyar karte hai na so I actually experienced that bilkul sahi I'll be honest this time she said I'm not going back I said I'm not going back yeah And I was like, I didn't want to, but it just happened. And
my heart just started melting, and then I emailed her because we had both blocked each other on WhatsApp. So emailed. Yeah, he made the move. And then she finally said, "What can you do about it?" Yeah, and okay, as I'm telling you, this is the, it's all talk. What can you do? Actions speak louder than words. Yeah. Fine, thank God, Allah khair. अच्छा जब आपने ईमेल की तो तब भी आपको वो नहीं, एक होता बंदा बाज़ेकार बंदा अपनी झूठी अना में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लेता है या आपके एंड पे भी कि यू नी फीस ट्राइंग टू अप्रोच बट यू ब्लॉक इट कि नहीं 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 व्हाई शुड आई आई डिडंट रिप्लाई हिम फॉर लाइक यू नो थ्री वीक्स ही एज ही सेइंग या वी आई डिडंट रिप्लाई हिम बट एट द एंड आई वाज लाइक नो आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हिम शी इज अ स्वीटहार्ट बट एट द सेम टाइम शी नोज हाउ टू You know, and then she wrote to me, "Okay, you write more emails to me, and I will take action, legal action." And everyone got scared. But then again, my heart spoke to me. Yeah, because the love is true. Inshallah, 99.9%, it's a bluff. I was hoping. And then you know what? I started calling her because we had blocked each other on the phone. I went to my neighbor's guard. I need 300 rupees. I need to make an unlisted call. So I tried like 5-6 times. Jina marketing. Finally, she came on the line. Pehle she shut the phone. Mekari, main bhi dhi tu. I kept trying, and finally, then that's how things by the grace of God, then opening, and then. That's so sweet, na. This is true love story. This story is true love story. जो पहले होता ना मिले और वो जो एक वो है. But when you actually got together and then कुछ भी हो कि आप जुदा हो जाएं या कुछ दूर हो जाएं और फिर जितना आप effort करते हैं किसी के पास आने के लिए ये this is beautiful. If you are passionate about something, it doesn't seem like effort. It just seems like it's just happening without effort. You know? That's how I felt. But were you scared कि ये हो सकता है ऐसे ना? My family warned me, you idiot. This, what the hell are you doing? I just said this. Allah is there. My love is true. And inshallah, 99.9%, she will not. She won't take it. What about that 1%? I left it to God. And I said, I know I'm doing. You know, again, your heart talks to you. And I'll take the chance. But obviously, anyone can take serious action. And of course, I was not bothering her. I just said, come back. I said, love you. And then finally, I said, nice of him. चीज़ें बेहतर हो गई. जी दैट्स अमेजिंग. अच्छा फातिमा, मतलब बहुत सारे लोग जो कि आपको सुन रहे हो, ये जैसे मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ ट्रू लव स्टोरी. हम अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक फ़र्जी सी किताब मोहब्बत की वो कहानी है ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. ये जो रियल लाइफ स्टोरी है कि जिसमें आप रीडिस्कवर करते हैं, जैसे आपने कहा कि यू डिस्कवर अल्लाह को कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते की, इसकी बाइंडिंग को टुगेदर रखने में. सो क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों से जो इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं? व्हाट शुड दे डू? व्हाट do they, especially the women, उन्हें क्या करना चाहिए? Well, first of all, they would never stop making an effort to keep the relationship going. You know, because होता है ना कि चाहे जितना भी आप अच्छे बन जाएं ससुराल में, but आप फिर भी वो होता है कि आप उनको खटकते हैं कहीं ना कहीं जाके. So I would say let anybody say anything they want. आपकी प्रायोरिटी आपका हस्बैंड होना चाहिए, हस्बैंड की प्रायोरिटी उनकी वाइफ होनी चाहिए. आप दोनों ने एक दूसरे को खुश रखना है. दैट्स व्हाट आई वुड से. ठीक है, जस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर्स, यू नो, जस्ट केयर अबाउट ईच अदर एंड जस्ट शो ईच अदर अफेक्शन, ताकि वो जो बाहर की जो सारी नेगेटिविटी है, इट शुडंट अफेक्ट देम. तो बस यही है कि यू नो, एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, प्यार से रहें, और जो लोग जो बातें करते हैं उनको कम सुने. इट्स नॉट इजी. लोग आके आपको डसते हैं. And that's the real. And I no names, but people who were close to me said all sorts of things to her. I was shocked. And she's a very honest person. She said, "This is who you thought were your angels or whatever." I had an idea. I'm not that dumb. But then to have proof and to have ask her to WhatsApp recording me with you, I was shocked. And especially one person who was like, "I'm your friend, brother." Two of them. Forget it. But just for your own peace of mind, learn to move on
forgive but don't forget and just you know women they have that instinct they can tell you know who is women they have that instinct so I always used to tell him ke nahi mujhe nahi ye theek lag rahi baat chale you have your friends that's okay but you know something was off something is off yeah haan. So that came out and he was like oh you were right so ye bahut achhi baat hai कि पहचान तो हो गई ना दुश्मनों की छुपा हुआ दुश्मन से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता आई मीन वो जो पहलू से वार होता है ना वो जैसे कहते हैं YouTube Brutus आई मीन somebody who you love and trust and trusted whole of your life it's very sad लेकिन it's good कि you two are together माशाल्लाह से and happy एंड एक दूसरे के साथ रहने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए तैयार दैट्स ब्यूटीफुल सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मुस्कुराए और मिल के गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ